लेकिन अजीब बात है, खुदा ताला फरमाता है कि तूने हमें तलाश किया, तू हमारी मोहब्बत में सरगर्दान था। जब हमने तेरा मकसद तुझे अदा कर दिया और हम तुझे मिल गए, तुझे अपनी तरफ हदायत दे दी, तो हमने देखा कि तू तो बड़ा आयालदार है। तूने तो सवाल फैला दिया सारी बनी नौ इंसान के लिए और कहा है खुदा मैं अकेला तो नहीं हूँ, ना मैं अकेला लेकर राजी होऊंगा, मैं तो सब दुनिया का हूँ और बहुत बड़ा आयालदार, सारी कायनात के लिए मांगने आया हूँ। फिर खुदा ने आपसे अजीब सलूक फरमाया, खुदा ने आपको कहा कि ऐ मोहम्मद तू तो एक बंदा है, बंदा होकर तेरा दिल इतना वसी है,
कि अपने सारे भाइयों को, सारे जमाने के इंसानों को उस नेमत में शरीक करना चाहता है जो मैंने तुझे अता फरमाई, तो मैं खालिक और मालिक होकर तुझसे पीछे कैसे रह सकता हूँ? भागना, जो खुदा ने ऐसा गनी कर दिया कि किसी तालीम दूसरी तालीम का मोहताज नहीं रहने दिया, किसी दूसरी नेमत का मोहताज नहीं रहने दिया, और कहा कि हम तुझे कौशल अता करते हैं, ऐसे खजाने देंगे जो क्यामत तक जारी रखो, बनी नौ इंसान में बांटते चले जाओ और वो कभी खत्म नहीं होंगे। के इल्हाम में इसी मज़मून की तरफ इशारा है कि तुम भी दुनिया की जरूरतें पूरी करने के लिए निकाले गए हो, तुम भी बड़ी नौ इंसान को खुदा की तरफ बुलाने के लिए निकाले गए हो, लेकिन पहले खुदा के बनोगे तो फिर दुनिया तुम्हारी होगी, क्योंकि खुदा के बने बगैर तो तुम तही दस्त रहोगे। दुनिया यूं ही तो नहीं किसी की तरफ तवज्जो किया करती। अब मैंने मिसाल दी थी, दुनियावी कौमों ने उन लोगों को कुछ दिया है, उनके पास दौलतें हैं, उनके पास मादी ताकतें हैं, उसकी खातिर दुनिया उनकी तरफ आई। खुदा ताला ये फरमाता है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे इस मज़मून को, आपको पता था कि जब तक मेरे पास कोई दौलत नहीं होगी मैं कैसे दुनिया को बुलाऊंगा। वो दौलत अपने रब से हासिल की, और जब खुदा ने इतना गनी कर दिया कि अपने ज़माने के इंसान ही नहीं बल्कि सारे ज़माने के इंसानों को देते चले जाए और वो दौलत ख़त्म ना हो, तब वो फिर दुनिया में निकले उनको बुलाने के लिए। Sebagaimana kita lihat sekarang bangsa-bangsa yang memberi kekayaan kepada mereka, maka oleh karena kekayaan mereka tertarik pada agama Islam. Maka Allah SWT juga mengetahui bahwa Muhammad SAW memberi kekayaan, lalu Allah memberi kepada beliau kekayaan sehingga dunia akan tertarik kepada beliau, karena kekayaan itu berlimpah-limpah melebihi dari segala kekayaan yang lain. Apakah mukabalah ini दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कौमों के साथ है, और वो सारी कौमें कुछ ना कुछ हिरस और कुछ ना कुछ लालच देकर दुनिया को अपनी तरफ बुला रही हैं, और वो माली दौलतें हैं जो वो अता करती हैं। इसके मुकाबले पर सिर्फ एक ही है जो आपको बरतरी हासिल हो सकती है कि आप हकीकतन खुदा के हो जाएं और खुदा अपना सब कुछ आपका बना दे, फिर दुनिया की कोई कौम भी आपका मुकाबला नहीं कर सकती। ialah bahwa Tuhan memanggil kepada dunia, sedangkan dunia itu maha kaya dan dunia tertarik kepada kebendaan, sedangkan kamu tidak mungkin apa-apa dari situ kebendaan. Oleh karena itu kamu memiliki tugas yang sangat berat dan hanya satu jalan. Or ye jo ghina hai Allah taala ki taraf se ata hota hai, iska aghaz sirf mazhabi daulat se hota hai. Khuda ko pa lena maqsood hota hai, aur khuda ko pa lene wale bande बड़ी जरूरत और ताकत के साथ, बड़ी कुव्वत के साथ ये ऐलान करते हैं कि हम खुदा के बंदे हैं, खुदा हमारे साथ है। इसलिए जिसको दीन चाहिए वो भी इधर आए, और जिसको दुनिया चाहिए उसको भी सवाए इधर आए बगैर चारा नहीं, क्योंकि हम खुदा के नुमाइंदा बन चुके हैं। Maka orang-orang yang jadi kutukan Allah SWT, mereka mengatakan kepada seluruh dunia bahwa Tuhan kami maha kaya. Maka jika kamu ingin mencari kekayaan yang kekal dan abadi, maka mari ke jalan ini. Dan sekarang kami hamba-hamba Allah memberi tantangan kepada seluruh dunia bahwa sekarang keselamatan hanya dalam jalan ini. Bukan saja kekayaan dunia, kekayaan rohani, bahkan kekayaan dunia juga di sana. Lekin is elan ke bawajud ki ab khuda bhi nahi milega aur khuda ki banayi hui taqatein bhi har cheez yahi hasil hogi, uske bawajud Allah taala ne is raste mein ek aazmaish ka nizam muqarrar farma diya ताकि जो खुदा को लेने वाले हों वो तो दाखिल हो सकें, और जो महज दुनिया की लालच में आना चाहें उनके लिए रोक बन जाए। Maka sekalipun Allah SWT memberitahukan bahwa kita bisa menarik dunia dengan memberi kekayaan yang kekal dan abadi ini,
tapi Allah SWT itu membuat satu ujian agar supaya mereka yang betul-betul mencari Tuhan bisa datang, dan mereka yang tidak mau sungguh-sungguh, tidak betul-betul, mereka jangan tertarik kepada Allah. Dengan syarat ini rakhi, ke pehle Allah ko lo, aur dunia baad mein aayegi. और अल्लाह को लेने की शर्त यह है कि जो दुनिया तुम्हें हासिल है वो भी लुटा दो खुदा की खातिर, फिर खुदा मिलेगा, उसके बगैर फायदा नहीं हो सकता। मका शरद यानि लातुकान शरद यानि तंतुकान यला कि कामु हर दातन कपड़ा अल्लाह सुभान अल्लाह dan bila mau datang kepada Allah SWT, kekayaan yang ada pada diri kamu itu juga diberikan di jalan Allah SWT. Baru kamu akan jadi memiliki kekayaan Allah SWT. Jadi, ini elan ho raha ho, ke jo hath mein hai, wo de do. फिर हम वादा करते हैं कि तुम्हें बाद में बहुत कुछ दिया जाएगा, तो सिर्फ वही आदमी दाखिल हो सकता है जिसको कामिल यकीन हो कि वादा करने वाला भी मौजूद है और अदा करने वाला भी मौजूद है। बिला दिग्री जानी समझती ही नहीं बाबा, बिला कामू अगर मयराकन कायन कामू सुनिरी अपा यहां डाली तांगन कामू कामू अगर मयराकन पर अल्लाह अल्लाह कन दिरी पर कामू आया औरन या मुबी का यकीनन मंगने साथ इतनी बिजा बरकता दी के दर हर बड़ा तत्वदार yang maha kuasa, dan orang juga harus memiliki keyakinan bahwa ada zat yang maha kuasa, hanya dialah yang bisa melaksanakan hadis. Warna jisko kisi ghaib par iman na ho, kisi aisi hasti par iman na ho, jo aankhon se nazar nahi aa rahi, wo uske khayali wade par apne haath ki duniya kaise chhod sakti hai? Maka jika orang tidak yakin adanya satu wujud yang sekalipun tidak kelihatan tapi wujud itu ada, jika orang tidak yakin bagaimana dia bisa menyerahkan kekayaannya hanya untuk janji-janji yang dalam khayal, bukan janji-janji yang betul-betul bisa terjadi kalau dia tidak yakin bahwa memang ada satu Tuhan seperti ini. Kasi duniadar kaumun ke muhawre, to un kaumun ke muhawron se bilkul mukhtalif hote hain jo khuda par aur ghaib ki cheezon par iman lane wali hote hain. Ucapan-ucapan dari dunia yang tidak percaya kepada Allah SWT, ucapan-ucapan mereka dan tamthil-tamthil mereka berbeda sekali dengan tamthil-tamthil yang ada di kalangan orang-orang yang percaya kepada Allah SWT. ये लोग तो ये ऐलान कर रहे होते हैं कि बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। अरेका मनातकान बाबा सत्तु बुरुंग की तांगल लेबे बाइक लेरिता दुआ बुरुंग यंग आटा दी पोहन। और खुदा वाले ये ऐलान कर रहे होते हैं कि इन अल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम वा अमवालहुम बिअन्नलहुम जन्नत। Dan orang yang percaya kepada Allah SWT yang menjadi kepunyaan Allah SWT, mereka mengatakan Allah SWT membeli dari hamba-hambanya jiwa mereka dan kekayaan mereka. बाबा उन तुम रेखा अदला दूर का। यह दुनिया वालों, तुम तो एक परिंदे के दो परिंदों के साथ तबादला भी कबूल नहीं कर सकते अगर वो वादा दूर का हो, लेकिन इन लोगों का ये हाल है, इनका ईमान इतना बुलंद हो चुका है कि ये अपनी जान भी पेश कर देते हैं और अमवाल भी पेश कर देते हैं उस जन्नत के लिए जो देने वाले की तरह खुद गायब है। Kamu tidak mau melepaskan untuk dua burung yang tidak di sana agak jauh. Tapi orang-orang ini bukan saja mereka menyerahkan kekayaan mereka, tapi mereka menyerahkan jiwa mereka juga itu untuk zat yang tidak kelihatan dan untuk janji-janji yang tidak kelihatan. इससे आप अंदाजा करें कि कितनी अजीमुशान कुवत अमल पैदा हो जाती है ऐसे लोगों में जो खुदा की रजा की खातिर अपनी जान और अपनी माल इस वजह से पेश कर देते हैं कि मरने के बाद उनको कुछ मिलेगा। इस दुनिया में जो नेमतें उनके सामने होती हैं, जो फुतूहात उनके सामने होती हैं, उनके लिए तो उनकी कुव्वत अमल की कोई इंतहा ही नहीं रह सकती थी। निस्बतन कमजोर ईमान वालों में भी गैर मामूली अमल पैदा हो जाता है। मका और यकीन बाबा अल्लाह सुब्हान अल्लाह का मेरी गंजन पर मरेगा तंतु मरेगा मुफी कुव्वत अंजाम गौर भी आता कि यकीनन बाबा अल्लाह सुब्हान अल्लाह का मेरी पड़ा की ता गंजन सुलग तमाती जो कुछ हम तुमसे लेंगे वो तो हाजिर होगा, वो तुम्हें नजर आ रहा होगा, और जो कुछ हम तुम्हें देंगे वो वादों पर होगा और नजर नहीं आ रहा होगा। ialah mereka yang betul-betul memilih Allah SWT. Bahwa Allah SWT mengatakan, apa yang janji kepada kamu tidak akan diberikan sekarang, tidak nampak kepada kamu. Tapi apa yang ada di tangan kamu, kamu harus serahkan kepada Allah SWT. Sedangkan yang dijanjikan kamu tidak lihat. Ese raste per sirf wohi chal sakte hain, jinko ghaib par kamil iman,
और सोफिसिज़ ही उनका अव्वल मकसद और आखिर मकसद खुदा ताला ही हो और उसकी खातिर वो अपने हाथ आई हुई जिंदगी तक छोड़ने के लिए तैयार हो। अगर जाने नहीं बिसारी पन्नू ही जब तब को ही हाइयों ओले अल्लाह बांध ओले औरंग ये मोपिंग के यकीनन बाबा अमेरिका भी यहाँ कहीं डूबते समाधा मालूम अल्लाह बांध वाला औरंग यहाँ दिला यकीन इस पर दिन अमेरिका दिला कर परानी मनप को जाना नहीं। ऐसे लोगों को जब खुदा मिलता है तो फिर उनको बात की जन्नत का इंतजार नहीं करना पड़ता, खुदा के साथ साथ ये दुनिया भी उनको मिलनी शुरू हो जाती है। मिला औरंग प्रति तू मनरिमा को बड़े कमेंट रहा अल्लाह सुबह तला बुकल सजा मुबरी कुपड़ा अमेरिका सुरगा दिया आखिर जब ये दिन दुनिया जुगा अल्लाह सुबह तला मुबरी कुपड़ा अमेरिका जन्नत जन्नत। तो ना चाहे कुरान करीम फरमाता है कि वैसे आजमाइश की खातर हम इनको वादे तो ये करते हैं कि बहुत देर के बाद मरने के बाद देंगे, लेकिन जब इनके दिल की सफाई देखते हैं, जब इनको आमादा पाते हैं कि खुदा की खातिर सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो गए हैं, तो फिर इस दुनिया में भी वो जन्नत अदा कर देते हैं जिसके वादे दिए जाते हैं। फरिश्ते नाज़िल होकर इनको ये खबरें देते हैं वाबशिरु बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तूअदून, जिन जन्नतों की तुमसे वादे किए गए थे कि तुम्हारी मौत के बाद मिलेंगे, अल्लाह उस मौत का इंतजार नहीं करेगा, वो इसी दुनिया में वो जन्नतें तुम्हें देने का फैसला कर चुका है। बाबा जानी जानी जान कामी बिरी कर कितना काम हूँ तो स्वर्ग की आखिरत तभी बोले करना आपको मुरबानन काम हूँ हमारे काला स्वाद काम हूँ कितना परलो बनूंगा लगी ये दुनिया जुगा आकर बिरी कमना का अंदर पर कर सकते। बस इस दुनिया में रूहानी लग इस दुनिया में जो जन्नत बता होती है वो दरअसल तस्कीन कल की सूरत में मिलती है, एक लज्जत है खुदा को पा लेने और वही लज्जत वही दरअसल जन्नत है, लेकिन इसके अलावा दुनिया भी इन लोगों को अता की जाती है, ये भी एक तकदीर इलाही है। ये लोग फिर आगे जाकर दो किस्म के सलूक करते हैं, जहाँ तक खुदा को पाने की जन्नत है उसी पे राजी हो जाते हैं और जो दुनिया इनको अता होती है उसमें दिलचस्पी नहीं लेते, फिर उसको ये फिर मजीद दुनिया को अदा करने के दरपेश हो जाते हैं और दुनिया वालों को बांटने लग जाते हैं और आप मैं खुदा पर राजी हो जाते हैं। मकासी के प्रेका सुरज की आला दुआ ना चक पता मत रब अल्लाह सुभान अल्लाह कना प्रेका पर मंत्रोले अल्लाह सुभान अल्लाह मका सुरज का प्रेका ये आला जाती लाई कभी कजाया ने अल्लाह ब्रिक पर मरेका ककायन अल्लाह ब्रिक पर मरेका की दुनिया ही नहीं मरेका मगाता का ककायन तो जुगा बुकन हाथ किता मरेका ब्रिक पर और लाई अगर सपाया दुनिया तारीफ कर जानते कुरान करीम आगाज ही में इस मज़मून को इसी तरतीब से बयान फरमा रहा है, अल्लज़ीन युमिनून बिलगैब व युकीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फ़िक़ून। अगर हम कुरान करीम पढ़ा पर मूलन चुका अल्लाह सुब्हान तआला मुकाकन मसला ही नहीं ये अल्लज़ीन युमिनून बिलगैब व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फ़िक़ून। ये लोग जो हदायत पाने वाले हैं जो खुदा को पा लेते हैं इनके इनकी तीन मनाजिल हैं। पहली शर्त जैसा कि मैंने बयान की थी ये गैब पर ईमान लाते हैं, गैब पर ईमान लाए बगैर इनको हाजिर भी कुछ अता नहीं होता। मगर इसी ने बेचारा गलती का हाल और उन और हमारा यहाँ मुत्तकी शर्त यहाँ बरतामा ये ला अमेरिका पर ईमान पड़ा गए हाल हाल जन समझ कर इनका क्रियातन अमेरिका पर ईमान पड़ा हाल हाल। उसके बाद इनको दो जन्नतें मिलती हैं, एक इबादत की और एक रिज्क की। सुराइतु मेरे का दिव्य दुआ सुरगा यहाँ सातु किया ला सुरगा इबादा यहाँ सातु लगी किया ला सुरगा रिस्क। इबादत की जन्नत में तो ये मुनमिक रहते हैं और रिस्क से ये सुलूक करते हैं वह मिम्मा रजक ना हो उनसे खून जो कुछ पाते चले जाते हैं आगे देते चले जाते हैं कहते हैं हमें इसमें दिलचस्पी नहीं रही। दुनिया इबादा इतु मेरे का इतु सिबुक दालम दुनिया इबादा तभी दुनिया रिस्क की जान अल्लाह मेरी पड़ा मेरे का मंगाता कंस कारण की तजला पढ़ूं मेरे का बिजी सजा ले जाना अल्लाह सुबह सारा करना मेरे का कारण की तजला तारीख तक। बस ये वो ना खत्म होने वाले खजाने हैं जो उनका अता होते हैं और इस ज़ादे में राह को लेकर वो दुनिया को जीतने के लिए निकलते हैं। मगर इतना खजाना खजाना ये तिलाकन हाफिज
yang kepada mereka diberikan dan dengan bakal inilah mereka itu keluar di dunia. अगर आप मशरिक को खुदा के लिए जीतना चाहते हैं तो लाजिम है कि पहले आप खुद खुदा के बन जाएं। Maka jika tuan-tuan ingin menaluk timur untuk Allah SWT, maka sudah menjadi kewajiban bagi kamu supaya kamu lebih dulu menjadi kepunyaan Tuhan sendiri. वो लोग जो खुदा के हो जाते हैं उनको अल्लाह ताला गैर मामूली ताकतें अता फरमाता है। Mereka yang menjadi kepunyaan Allah SWT, Allah memberi kepada mereka kekuatan-kekuatan yang luar biasa. वो ज्यादा इल्म ना भी रखते हो, ज्यादा लंबी चौड़ी दलायल और कुदरत ना भी रखते हो, तब भी उनकी छोटी सी बात में भी अल्लाह ताला गैर मामूली असर रख देता है। Sekalipun mereka tidak mempunyai ilmu banyak, sekalipun mereka tidak mempunyai dalil-dalil banyak, tapi dalam percakapan ucapan-ucapan mereka yang biasa pun diberkati oleh Allah dengan cara yang sangat luar biasa. फिर उनको ये शिकवा नहीं रहता कि हम तो बहुत तबलीग करते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं। Lalu mereka tidak mengatakan kami banyak tabligh tapi tidak ada yang menaruh perhatian. Mereka tidak berkata demikian. वो तो थोड़ी भी करें तो लोग सुनने लग जाते हैं। Jikapun mereka tabligh hanya sedikit orang mulai menaruh perhatian kepada mereka. वो बीज इत्तेफाकन भी फेंक दें तो उस बीज को बरकत मिलती है और उससे तनावर दरख्त पैदा होने शुरू हो जाते हैं। Jika mereka tidak dengan sengaja, tidak dengan teratur membuang benih, maka benih pun memberi buah-buah. ये है वो तबलीग का कामयाब रास्ता जो अल्लाह ताला ने अपने अंबिया को सिखाया और जिस पर चलकर उन्होंने साबित कर दिया कि इस रास्ते के सिवा कामयाबी का और कोई रास्ता नहीं। Inilah jalan tabligh yang Allah beritahukan kepada nabi-nabi dan pengikut nabi-nabi membuktikan bahwa jalan inilah jalan paling baik, jalan lain tidak ada. बस मशरिक भी आसानी जीता जा सकता है, हाँ कितने बड़ी मुसीबतों के पहाड़ आपके सामने हो, हाँ मुकाबले पर तादाद के लिहाज से और कुवत के लिहाज से इतनी अजीम शान कौमें आपको नजर आती हूँ, गोया हमाला की चोटियां सामने खड़ी हैं। Maka timur pun dengan mudah bisa dikuasai, ditaluk oleh kita. Sekalipun kita secara lahir lihat kekuatan-kekuatan yang begitu besar seolah-olah gunung Himalaya di hadapan kita ini. Terus अगर आप उस रिफतों वाले खुदा से ताल्लुक जोड़ लें जो ऐसी रिफतें रखता है जिनकी कोई इंतहा नहीं, तो हिमालय की चोटियां ये कीड़ियों के घरौनों से भी छोटी नजर आने लगेगी आपको। Maka jika kalian mempunyai hubungan dengan Allah SWT yang maha luas, maha besar, maka puncak-puncak gunung Himalaya juga akan nampak sebagai rumah-rumah dari sabut-sabut tidak lebih dari itu. फिर आप एक ताकत के एहसास के साथ दुनिया से कलाम करेंगे। Dalam keadaan demikian, tuan-tuan akan bicara dengan manusia dengan adanya satu kesadaran bahwa kamu berkuasa, kamu mempunyai kekuatan. ऐसी अजीम शान ताकत आपके जिस्म में दौड़ती हुई नजर आएगी कि दुनिया वाले इसके मुकाबले पर बिल्कुल बेहतरीन और कमजोर दिखाई देने लगेंगे। Satu kekuatan yang luar biasa akan nampak dalam diri kamu sehingga orang-orang dunia tidak akan bisa menghadapi kekuatan yang Allah beri kepada kamu. जहाँ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के कलाम में बाज़ दफ़ा ऐसी शौकत नजर आती है जब यूं मालूम होता है कि खुदा आपकी रगों में दौड़ रहा है। अगर दलम कलिमत कलिमत तो ऊंचा ऊंचा मुस्लिम इस्लाम जुगा नंपा सकाली कुवातन सवलोला तुहान बरलारी लारी दलम बदन की होती है। आप फरमाते हैं जो खुदा के हैं उन्हें ललकारना अच्छा नहीं, हाथ शेरों पर न डाल है रूबे हजारों नजार। जो बसंदा जो खुदा का है उसे ललकारना अच्छा नहीं, और हमारे यहाँ मिलिक मंजरी मिलिक अल्लाह जंगल्ला कामों मेरी तंदगन बुढ़ा दिया, जंगल्ला कामों मैं परगुना कन तांगन करना आधा हाथ शेरों पर न डाल है रूबे हजारों नजार। ये औरंग जंगल्ला कौम मैं परगुना कन तांगन इनका उनको मलावन बुढ़ा हरिमाओ हरी। इसलिए आप खुदा के शेर बने और वो ताकत हासिल करें जिसके बाद दुनिया की ताकतों को तौफीक नहीं मिल सकती कि वो आप पर हाथ डाल सके। Oleh sebab itu kamu jadilah harimau harimau Tuhan dan milikilah kekuatan-kekuatan sehingga jika ada orang memiliki kekuatan seperti itu dunia tidak berhasil untuk menghancurkan mereka. आप किसी भी मुल्क के बशिंदे हो आप देखेंगे कि गैर मामूली ताकतें खुदा आपको अता करता है और आपके दुश्मनों का खुदा दुश्मन बन जाता है और आपके दोस्तों का दोस्त बन जाता है। Tuan-tuan mempunyai hubungan dengan negeri apapun, tapi tuan-tuan akan saksikan bahwa Tuhan akan jadi sahabat kamu dan Tuhan akan tidak memberi kekuatan kepada musuh-musuh kamu bagaimanapun besar yang musuh-musuh itu. Musa में तो ताकत नहीं थी कि वो फिरौन का सर नीचा करे, लेकिन मूसा के खुदा में ताकत थी और उसने इस शान के साथ फिरौन के तकब्बुर को तोड़ा है कि आज तक तारीख में वो इबरत का निशान बना हुआ है।
Rasul Musa alaihi salam tidak memberi kekuatan untuk menghadapi Firaun, tapi Tuhan yang Musa memberi kekuatan. Dan Tuhan yang Musa alaihi salam menampakkan kekuatan dan tanda yang sampai sekarang menjadi tanda di seluruh dunia. Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu taqat nahi thi ki kis tarah ki hukumat ko para para kar de, magar aapke khuda ne ye taqat thi ki kis tarah ki hukumat ko para para kar de. Muhammad sallam tidak memberi kekuatan untuk menghancurkan Kisra, tapi Tuhan yang Muhammad SAW memiliki kekuatan untuk menghancur lulukan kerajaan Kisra itu. Apko tu Kisra iskadar kemzor dekh raha tha aur itna behatirat samajh raha tha ki usne apne ek mamooli governor ko ye hukum diya ki ek sipahi bhej kar usko pakad ke bulwao aur usko halak kar do. Kisra menganggap Muhammad SAW sebagai orang yang begitu tidak berharga sehingga dia memerintahkan pada gubernurnya supaya dia mengirim salah seorang rendadu untuk menangkap Muhammad SAW. जब आदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वो यमन का एलची जो किसरा का नुमाइंदा गवर्नर था हाजिर हुआ तो अकेला था, उसके पास कोई हथियार नहीं थे और इसमें दरअसल हद से ज्यादा तजलील करने की कोशिश की गई थी आदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हमें तो कोई सिपाही हथियारबंद सिपाही भेजने की भी जरूरत नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हें पैगाम मिलेगा और लाजमन तुम्हें हाजिर होना पड़ेगा. Dilah wakil dari Yaman, ialah kerajaan Yaman yang diperintahkan oleh Kisra. Dilah wakil itu yang terdiri hanya dari seorang pergi untuk menangkap Muhammad SAW. Dia hanya seorang dan dia tidak mempunyai senjata. Sebenarnya dalam hal ini merupakan satu kehinaan untuk Muhammad SAW bahwa kita tidak perlu kekuatan apapun untuk menangkap orang ini sama sekali tidak berkuasa. Tuanche, usne aakar yehi paigham diya कि हमारे शहनशाह आलम किसरा ने हुक्म दिया है हमारे गवर्नर को कि तुम्हें बुलवाएं, इसलिए मैं पैगाम देने आया हूं कि आप उनके दरबार में हाजिर हो जाएं. मकदिया मंगाताकन बाबा महाराजा कामी ialah राजा किसरा telah memerintahkan kepada gubernur kami di Yaman dan saya datang sini dan saya diperintahkan supaya tuan ikut serta dengan saya. आपने फरमाया तुम अपने शहनशाह के हुक्म के पाबंद हो, मैं अपने शहनशाह के हुक्म का पाबंद हूं और जब तक मैं अल्लाह से पूछूं ना उस वक्त तक मैं कोई फैसला नहीं करूं. मुझे मंगाताकन कामू तुंडो के बड़ा कपुसंदरी शहनशाह कामू लेकिन साया प्रकवाजिबन उन्तु मनुगो कपुसंदरी शहनशाह राजा महाराजा साया तुझा कन बरबत अपापा सुबुल मादा इदिन दरी अल्लाह. बस रात आपने खुदा के हुजूर दुआ की, हम नहीं जानते कि वो दुआ क्या थी और कैसी गिरियावदारी थी, लेकिन सुबह उस दुआ का जवाब जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को दिया वो ये था कि जाओ उस गवर्नर को बता दो कि आज रात मेरे खुदा ने तुम्हारे खुदा को कत्ल कर दिया. Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu bagaimana caranya beliau menangis pada Tuhan pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pagi-pagi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada Radu itu, "Pergilah kamu sebab Tuhan kami telah membunuh Tuhan kamu malam ini." बस वो यही खबर लेकर ये जवाब लेकर वापस पहुंचा तो यमन में कुछ अरसे के बाद वहाँ का सफीर आया शहनशाह किसरा की तरफ से और किसरा का बेटा उस वक्त किसरा बन चुका था, पुराने किसरा का बेटा, और उसने ये पैगाम भेजा कि हमने अपने बाप के मजालिम और गंदगियों की वजह से उसको कत्ल कर दिया और अब हम शहनशाह बना गए. Maka apabila Serdadu itu pergi ke Yaman, berapa hari sudah itu atau berapa lama sudah itu, datang seorang buta dari kerajaan Iran dan yang datang itu bukan dari Kisra yang lama, tapi Kisra yang baru ialah putra yang Kisra sendiri dan Kisra itu mengatakan bahwa oleh karena keaniayaan bapakku, saya telah membunuh bapakku. Jadi kalau kisi ko halak karne ka faisla karta hai, उसमें इबरत का ये पहलू होता है कि उस हलाकत में गैर मामूली जिल्लत भी पाई जाती है. मतलब अपाबिला अल्लाह सुभान व तआला का मुकद्दस का मुहाजिर का सुवातु अगर इसी कोड़ा था दुसकी या सांगत द्वार व्यासा इला बहुत आलम का हंचरन आड़ा जुगा था तकीना ताकि और आगे भी हंचरन. इस जमाने में भी हमें गैर मुस्लिम करार देने वालों के मुझसे जो खुदा ने सलूक किया वो हमेशा के लिए दुनिया के लिए इबरत का सामान बनता है. बड़ा मसाई जी जुगा औरंग या मंगंगप की का बुकन मुस्लिम या मयाकाटन की का bukan muslim dan memperlakukan kita dengan tidak baik, dalam hari ini pun ada tanda-tanda yang luar biasa sampai selama-lamanya. Bagi apa ke liye
तो इस गैब पर ईमान लाना कोई मुश्किल नहीं जो बारहा आपके लिए हाजिर बन चुका है। सिर्फ इस बात की जरूरत है कि अपने दिल को अपने रब के लिए साफ करें, अपने दिल में हाजिर होने के लिए दरख्वास्त करें, दावत दें जिस तरह एक बड़े आदमी को दावत दी जाए। लेकिन ये एक ऐसी बड़ी हस्ती है कि जो बावजूद अपनी अजमत के अदना से अदना दिल में उतरने के लिए तैयार बैठी है। इसलिए इंसान की कोई आजरी कोई उसका इंकसार इस राह में हायल नहीं हो सकता कि मैं इस अजीम शान जात को अपने पास आने की कैसे दावत दूं जो मेरे मुकाबल पर इतनी अजमत रखता है कि कोई नस्बत ही कायम नहीं हो सकता। इस बात पर हम जब गौर करते हैं तो हमें मालूम होता है कि हकीकी अजमत दरअसल दिल के हौसले की अजमत और दिल की वसत की अजमत ही हुआ करती है। अगर नंबा कबड़ा किता बाबा कबरानी ने सजाती ये ला कबरानी ने गाड़ा दलम आती तन कमाउन क्रास जन सजाती ये ला कमाउन ने गाड़ा दलम आती। चुनाचे अल्लाह ताला की अजमत की असल शान ये है कि वो तमाम ताकतों के सचश्मा होने के बावजूद इतना वसी हौसला रखता है कि फरमाता है वसे रहमती कुल्ला शैन कि मेरी रहमत हर दूसरी चीज पर हावी हो गई है, मेरी अजमतों से बाला है मेरी रहमत और मेरी शफ़क़त। Maka Allah SWT juga mengatakan bahwa wasiat rahmat itu lagi sekalipun Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, Allah Maha Hebat. Tapi dia mengatakan bahwa rahmat itu meliputi segala galanya. Bahasa apa yang usul aku bulana hai, jiska ilan hai wasiat rahmat itu la syahin. Maka Tuhan-Tuhan memanggil dunia kepada itu Allah SWT yang menyatakan bahwa wasiat rahmat itu lagi. Apse berkar apke pas aane ke liye tayar baitha hai. Dia lebih cepat mau datang kepada kamu sebelum kamu अपने खुदा को पाने का जो तजुर्बा किया उसे इन प्यारे अल्फाज में बयान फरमाते हैं। बंदा जब खुदा की तरफ एक बारिश पड़ता है तो खुदा ताला कई कदम उसकी तरफ बढ़ जाता है। ialah bahwa apabila hamba Allah mengambil satu langkah kepada Allah SWT, Allah SWT mengambil banyak langkah-langkah ke hadapan dia. Dan jika insan kadang-kadang uski taraf jatuh, itu dorta wo uski taraf berta. Dan apabila manusia pergi dan mengambil langkah demi langkah, maka dia berlari-lari mendatangi hamba Allah. Dan dasar ini wohi mazmun wasiat rahmati wala mazmun hai, jiski tafsir Hazrat Sallallahu Alaihi Wasallam farma rahe hain. Maka sebenarnya ini merupakan tafsir dari firman Allah wasiat rahmati kula syai yang dijelaskan oleh Muhammad SAW bahwa Allah SWT berlari-lari kepada hamba. Bas, ab iske baad, is sare mazmoon ko samajh lene ke baad, kisi ahmadi ke liye koi udhar baaki nahi rehta. Ye wo tabligh se baaz rahe ya apne aap ko kamzor samjhe ya kamil samjhe. Maka sudah ini, sudah saya menjelaskan hal ini, tidak diizinkan, tidak ada alasan bagi seorang ahmadi pun bila dia mengatakan bahwa saya lemah, saya tidak berilmu dan saya tidak bisa tabligh. Tidak ada alasan sama sekali sekarang. शर्त अव्वल ये है कि वो खुदा का हो जाए। शर्त नंबर तामा ये ला बादिया हर मजली कबीयन अल्लाह सुब्हान तआला। बाकी सारी शर्तें हैं खुदा देखेगा कि किस तरह पूरी करनी। सुमा शर शर जान लाइन अल्लाह का मलियत बाकी मना की तरह पन्नू ही है बाकी मना की तरह गिर जाकर। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है और हम अपने काम से बहुत पीछे रह गए हैं, इसलिए मैं शदीद फिक्र लेकर इस दौरे पर निकला हूँ। वक्त उस टंग बरलालु टंग सांगत चपत दंग कामी जाओ कतिंगलन तरी वक्त तरी मुकेजान की ताई नहीं ना साया दातंग सीधी dengan perasaan yang sangat gelisah. Aur ye dua karte hue nikla hu ke ae khuda tu hi apne fazl se mere alfaz mein taqat rakhte. Maka saya datang sini dengan mendoa kepada Allah, ya Allah kaulah beri kekuatan kepada ucapan ucapan ku ini. Maine ye dua ki ke ae khuda tu meri awaz ko har ahmadi ki awaz bana de. Saya mendoa kan ya Allah jadi kala suara ku suara tu aur ahmadi. Aur ae khuda mere dil ki har dhadkan har ahmadi ko ata farma.
वो हर तरफ दुनिया को उस रोशनी की तरफ बुलाए जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी है। और जिस तरह परवाने आगों को जलता हुआ देखकर बेतहाशा उस तरफ दौड़ते और उड़ते हुए वहां पहुंचते हैं और इस बात की परवाह नहीं करते कि वो जल जाएंगे, इसी तरह दुनिया बेख्तियार मोहब्बत से मजबूर होकर इस रोशनी की तरफ लग गए। खुदा करे कि ऐसा ही हो, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जे तू मेरा हो रहे तब जग तेरा हो, ये खुदा का कलाम है और अगर आप इसको आजमा कर देख लेंगे तो यकीनन हमेशा इसको सच्चा होता देगा। ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ تمہارے جمع ہوں گی سمایا کر جمع کر